हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया को डिटेल में कवर करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर का नाम नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इस वर्ड का मतलब समझना होगा। नेशनलिज्म, ये जो वर्ड है नेशनलिज्म, ये बना है नेशन से, और नेशन का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का समूह जो एक साथ यूनाइटेड होकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ उनकी हिस्ट्री हो सकती है, उनका कल्चर हो सकता है, या फिर उनकी लैंग्वेज हो सकती है, या फिर कुछ और, बट कुछ ना कुछ तो इनके बीच में कॉमन होना ही चाहिए, तभी वो एक नेशन कहलाएगा। यहाँ पर यूरोप के एक नेशन स्टेट फ्रांस का एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रांस एक नेशन है, वहाँ रहने वाले लोगों का कल्चर और लैंग्वेज सेम है, सब लोग फ्रेंच बोलते हैं, सब लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी समझते हैं, यानी हिस्ट्री भी इनकी कॉमन है, सब फ्रेंच टोस्ट खाते हैं, मतलब खाने पीने की हैबिट्स भी काफ़ी हद तक सेम है। तो ये तो बात हुई नेशन की। अब समझते हैं कि नेशनलिज्म क्या है। बेसिकली किसी भी नेशन में रहने वाले लोगों में अपने देश के प्रति जो लॉयलिटी और डिवोशन वाली फीलिंग होती है, उसे ही नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब बात यह है कि इंडिया में ये नेशनलिज्म की भावना कैसे आई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा देश एक बहुत ही डाइवर्स देश है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। कहने का मतलब, तरह तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई ब्राह्मण है तो कोई दलित, और इतने पर भी हम रुक जाते तो चल जाता। हम इतने पर भी नहीं रुके, हम लोग जो है लैंग्वेजेस भी अलग अलग बोलते हैं। कोई पंजाबी बोलता है, तो कोई मलयालम, उसके ऊपर से हम फेस्टिवल्स भी अलग अलग मनाते हैं। कोई होली मनाता है तो कोई ईद मनाता है। होली कब है? कब है होली? कब? तो जो बात हम लोग बोल रहे थे कि अगर हम अपने आप को एक नेशन बोलें तो कैसे बोलें, कोई तो कॉमन चीज होनी चाहिए हम लोगों के बीच में भी। तो भाई साहब, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। एक चीज है जो हमारे पूरे देश को जोड़ के रखती है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, सबके लिए ये चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, वही है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने अपने रूल्स और लॉज के द्वारा देश के हर सेक्शन, चाहे वो पीजेंट्स हो, बिजनेसमैन्स हो, लैंडलॉर्ड्स हो या कुछ और, सभी को ऑप्रेस किया हुआ था, मतलब सबको तंग करके रखा हुआ था। सबके सब उनकी पॉलिसीज से परेशान थे, इसीलिए ये सभी लोग चाहे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हों, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हों, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक साथ यूनाइटेड होकर लड़े। इस तरह इनके अंदर एक यूनिटी, एक भाईचारे की फीलिंग जनरेट हुई, और यहीं से शुरुआत हुई थी इंडियन नेशनलिज्म की। बट इंडिया में रहने वाले लोग जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस और कम्युनिटीज को बिलोंग करते थे, हालांकि ये सब लोग ब्रिटिश रूल से परेशान थे, बट सबकी दिक्कतें, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग थी, यानी सबके लिए आज़ादी का मतलब अलग था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड अलग अलग थी। ऐसे में गांधी जी की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सभी ग्रुप्स को एक साथ रखने में कामयाब रही। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक से, जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 28 जून 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ब्रिटेन भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था, और इसके बहुत ही गहरे इम्पैक्ट इंडिया पर पड़े, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटेन ने डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। और इसकी भरपाई की गई थी टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाकर। इसके साथ साथ इनकम टैक्स को भी लागू किया गया था। इसके अलावा विलेजेस में जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाने लग गया। पक्ष विकास करने के बाद अब हनुमान दंड, इसमें वापस आते इसमें अधिक बल लगता है। क्या आएगा? एक आगे झुकेंगे थोड़ी जमीन, ऐसे नहीं ये थोड़ी जमीन दो, थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं ऐसे। और हिंदी की एक कहावत है कि जब दुख आता है तो एक तरफ से नहीं आता, चारों तरफ से आता है। तो हुआ क्या कि 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई,
पूरे देश में खाने की कमी हो गई। कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। वार और इस फसल के बर्बाद होने की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई कि चीजों के दाम दो गुने हो चुके थे, और इसके ऊपर से जो थोड़ी बहुत कसर बची हुई थी वो भी पूरी हो गई। इन्फ्लुएंजा फैल गया। आलम ये था कि 1921 सेंसस के हिसाब से 125 करोड़ लोग इस भुखमरी और महामारी के चलते ख़त्म हो गए। अब लोगों को इंतज़ार था बस एक ही चीज़ का, और वो ये कि ये वार कैसे भी करके ख़त्म हो जाए और ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, और ऐसे माहौल में एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। वैसे तो गांधी जी जनवरी 1915 में ही साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे, जहां उन्होंने सत्याग्रह की मदद से ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर ला दिया था। इस वीडियो के पार्ट टू में हम देखेंगे कि ये सत्याग्रह क्या है और गांधी जी ने इंडिया में आके कौन कौन से तीर मारे। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।